हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल उत्तराखंडी नौनी में। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रों के हार्दिक शुभकामनाएं, मेरे सभी भाई बहनों को और मेरे सारे जो भी YouTube फैमिली है उन सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम जो है जा रहे हैं अठवाड़े में, गढ़वाली जो भी उत्तराखंड के जो भी होंगे उनको पता होगा अठवाड़ा क्या होता है। जब ये जो है फूलदेई ख़त्म होती है उसके आठवें दिन जो क्या बोलते हैं बच्चों के लिए खाना वाना बनाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, पकवान बनाते हैं। तो क्या बोलते हैं उसके लिए हम जा रहे हैं गांव में, ऊपर बुलाया है हमको, तो बनाएंगे सबसे पहले, फिर जाके खाएंगे, पहले बनाना है। तो अभी हम जा रहे हैं बरसिल में, तो जो है बने रहे हमारे साथ वीडियो के एंड तक। और अगर आप सभी ने भी आज अठवाड़ा मनाया है तो जो है कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं और मेरी बहन जो है दोनों हम जा रहे हैं साथ में, आज ये भी पहली बार आ रही है वीडियो में, नहीं तो ये कभी नहीं आती है, थोड़ी शर्मीली टाइप की है। तो चलिए सीधे आपको वहीं मिलते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं बीच बीच में क्या दिखाना, सीधे सबको मिलाती हूँ मैं आपको, आपसे सॉरी। हम पहुँचने वाले हैं बरसिल में, अभी हम आ गए हैं धार पर। तो आगे का थोड़ा व्यू दिखाती हूँ आपको, कैसे लग रहा है आज बारिश के दो तीन दिन की बारिश के बाद कैसा मौसम हुआ है, कितना साफ़ हो गया एकदम। देखिए दोस्तों, बारिश के बाद एकदम मौसम हो गया है साफ़, आगे के पहाड़ी एकदम साफ़ दिख रही है, अभी भी बादल लगे हुए हैं। तो यहाँ से जा रहे हैं, पहुँच चुके हैं बरसिल में, जहाँ पे जो है घोघा की जो है पूजा होगी और जहाँ पे खाना वाना बनेगा, तो हम वहाँ पहुँच चुके हैं अभी। तो आपको दिखाते, छोटे बच्चे भी हमारी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे एक ब्लॉगर पहले से आ रखी है, वहाँ बैठ गई है वो, और यहाँ पे जो है छोटे छोटे बच्चे हमारी हेल्प कर रहे हैं। इस टाइम बड़ा कोई नहीं है साथ में, तो आज हम ही बनाएंगे सारा खाना वाना। तो चलिए स्टार्ट करो, रसोड़ी महारानी ये जो है पूरी तलेगी। और यहाँ देखिए सारे चकले बेलन तैयार हो गए हैं, तो ढंग से लगवा थे ना उन्ना वो सुख की नहीं, यहाँ की चौर मुठ पे अभी धप आग लगी के लेने दिया लगा। हाँ देखिए बहनों का यही तो फायदा है, बड़े होने का यही फायदा। यहाँ देखिए पढ़ा है बोल रहे धन के सारे लगे हैं काम पे, धन के काम मजा इसी में है, सब साथ साथ काम करने पे। हाँ हमारी सबसे बड़ी दीदी जो यहाँ लगी हुई है, इनके पास हमने दो काम सौंप रखे हैं, सब्जी और दाल का। ठीक है बुढ़िया नहीं लोड़ी ते वहाँ हम भी बिजली पे बैठे लोड़ी यहाँ ट्रायल शुरू हो गया अभी। और यहाँ पे हमारे भ्राता श्री भी पधार गए हैं, यहाँ हमारी सब्जी बन रही है। यहाँ देखिए ये कड़े के कैपेसिटी 3-4 रुपए 5 चेची ने बनने वाली ये मी आग भेज तुम गए नहीं पीट है ये है फुर्की बांध सबसे तेज खीर बनने की तैयारी हो गई है, दो पतीलों में यहाँ दूध डाला जा रहा है। डाल से पहले चीनी थोड़ा और ये भी उबलने लग गया अभी। भैया जो है अभी पूरी बना रहे हैं, क्या हेल्प करें अपनी बहनों की।
दाल बन गई है। पिंकी को बहुत जलन हो रही है, दूसरा का नाम निकाल। पिंकी का नाम हर किसी का नाम हो हाँ। देखिए हमारी जो है शेप शाह, तुम हाथ नहीं काट रहे था आदि हाँ। यहाँ हो रही है घुगे देवता की पूजा की तैयारी। यहाँ प्रसाद आ गया है, दाल बनने की तैयारी हो रही है। इसके लिए प्याज वगैरह कट गया है। यो सर बड़े निमंड बच्चों के लिए जो है पूरी रखने लग गए हैं, पूरी और खीर। सबसे पहले देवता के लिए रखेंगे, फिर ऐसी बच्चे सारे लाइन पे बैठ गए हैं अपने अपने खाने के लिए। और यहाँ एक एक करके बच्चों को जो है पूरी बांटी जा रही है, क्योंकि हमारी प्रिय मित्र प्रीति बांट रही है। ये पिंकी बना चाहिए, हम तो यू नहीं। यहाँ बहन जी का खीर बांट रही है, ये देखो सबके हाथ में। ये कैसे बनी है खीर? ए खीर कौन है बनी? अच्छी है ओ, अच्छी बना रही बल मैंने खीर। हाँ मिल गया है प्रसाद सबको जो है, और सारे बच्चे भी खा रहे हैं। ऐसे खाते हैं एक के ऊपर एक रख के सब रखा। पकौड़ी की सामग्री शुरू हो गई है। दाल बन गई है, और यहाँ हमारे भैया जी जो है लोटे में स्पेशल दाल को टेस्ट कर रहे हैं। कैसे हो रही भैया? और चावल रख दिए चूल्हे पे। टमाटर कच्चे झिंडे बच्चे जो है लाइन में बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, तो यहाँ खाना वाना बटेगा भी। और यहाँ सबसे पहले सब्जी बांट रहे हैं। देखिए सारे बर्तन धुल रहे हैं अभी, क्योंकि मैंने प्रसाद रखा इसलिए मैं बर्तन नहीं धो रही हूँ, बस मैं थक गई हूँ बहुत। और यहाँ देखिए सारे क्या लगे हुए हैं, लग के बाद यहाँ देखिए बच्चे लगा दे हमें काम पे बर्तन धोने के लिए। हमने कुकर पूरा खराब कर दिया है यहाँ, जिसको रगड़ने में पूरी जिद्दोजहद लगी है। बर्तन सारे हमने धुल दिए हैं, और अब सब जो है यहाँ पंचायती इसमें रखेंगे बर्तनों को, तब हम जाएंगे घर। देखा ही होगा कि हमने कैसे कैसे जो है अपना अठवाड़ा मनाया पूजा। तो अगर आपको भी अच्छा लगा है और आपने मनाया तो कमेंट करना, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।